सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भविष्य में होने वाले युद्ध के खतरे से निपटने के लिए इंडियन आर्मी अपने हथियारों के आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दे रही है और इसी आधुनिकीकरण के तहत जल्द ही इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली इंसास राइफल्स को ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा विकसित की गई नई असॉल्ट राइफल्स से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसास राइफल्स, जो कि भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित की गई असॉल्ट राइफल है, आखिर इसमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इसको बदलने की जरूरत पड़ रही है? तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको इंसास राइफल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इंसास का मतलब है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम और इसमें दो तरह के इन्फेंट्री हथियार आते हैं, एक इंसास असॉल्ट राइफल और दूसरी इंसास लाइट मशीन गन यानी LMG। इंसास राइफल्स को स्वदेशी तौर पर DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE ने डिजाइन किया है और इन राइफल्स को ऑर्नेस फैक्ट्री त्रिचुरपली, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर और इसाफोर एसएनएल में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इंसास राइफल्स को औपचारिक रूप से इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विसेज में 1998 में शामिल किया गया था। ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट वाली 5.56x45mm की राइफल है जो करीब 600 से 650 राउंड्स एक मिनट में फायर कर सकती है। इंसास असॉल्ट राइफल की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 400 मीटर तक है और इसमें 20 से 30 राउंड वाली मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल की कुल लंबाई 960mm यानी 37.8 इंच है और इसका वजन बिना मैगजीन के 4.15 किलोग्राम है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इन राइफल्स में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से इन राइफल्स को बदला जा रहा है। इंसास राइफल की कमियां सबसे पहले तब सामने आई थी जब इन राइफल्स को बड़े तौर पर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था और जब इस युद्ध के दौरान हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर इन राइफल्स का इस्तेमाल किया गया तो इस राइफल को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आईं, जिनमें सबसे अहम शिकायत थी इस राइफल का अटक जाना यानी जैम हो जाना। और कई इन्फेंट्री सोल्जर्स का कहना था कि ये राइफल कम टेम्परेचर यानी ठंडे मौसम वाली स्थिति में जैम हो जाती है और इसकी मैगजीन क्रैक होती है। और साथ ही कुछ का ये भी कहना था कि जब इस राइफल को 3 राउंड फायर यानी कंट्रोल फायर के लिए सेट किया जाता था तो ये राइफल ऑटोमेटिक मोड में चली जाती थी। कारगिल युद्ध के अलावा इंसास राइफल्स को नेपाली सिविल वॉर और नक्सलाइट माओवेस्ट इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन नेपाली सेना को भी एक्सपोर्ट की गई इन इंसास राइफल्स में इसी तरह की शिकायतें मिली थी। अगस्त 2005 में माओवादियों के साथ हुए संघर्ष में करीब 43 नेपाली सोल्जर्स मारे गए थे और नेपाली सेना के प्रवक्ता ने इस राइफल को खराब बताते हुए इस राइफल में जैमिंग की शिकायत की थी। इंसास राइफल्स को आतंकवाद का सामना करने के लिए हैवी फायरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस राइफल में कंट्रोल फायरिंग मोड का इस्तेमाल किया गया है। इंसास राइफल्स की इफेक्टिव फायरिंग रेंज केवल 400 मीटर तक है, यानी इस राइफल को लॉन्ग रेंज टारगेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंसास राइफल को दुश्मन को केवल घायल करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंसास राइफल की फायर पावर आज के समय की असॉल्ट राइफल्स के मुकाबले में बहुत ही कम है। हालांकि कंट्रोल फायरिंग मोड होने की वजह से इस इंसास राइफल की एक्यूरेसी काफी अच्छी है, लेकिन इंसास राइफल की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि ये राइफल साइज में बहुत ही लंबी है और इसका वजन भी काफी ज्यादा है। और जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज के स्थिति के अनुसार सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल्स वही मानी जा सकती है जो साइज में छोटी हो और वजन में हल्की हो, जिसे आसानी से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। इंसास राइफल्स की मैगजीन को प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है और इसकी मैगजीन नीचे गिरने पर कई बार टूट जाती है। हालांकि इंसास राइफल्स में इसकी कमियों को दूर करने के लिए कई तरह के इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट्स ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे थे और इसी वजह से अब इंसास राइफल्स को 7.62x51mm की असॉल्ट राइफल से बदला जाएगा, जो इंसास राइफल्स के मुकाबले में वजन में हल्की होंगी। इनकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज कम से कम 500 मीटर तक होगी और ये इंसास राइफल के मुकाबले में ज्यादा घातक होंगी। और हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में इंसास राइफल्स का इस्तेमाल भारत के अलावा भूटान, नेपाल और ओमान की आर्मीज द्वारा भी किया जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।